अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ नैरो प्लाज़ो की कटिंग एंड स्टिचिंग। तो यहाँ पर मैंने फैब्रिक को दो फोल्ड्स करके रखा है। पहले प्लाज़ो के हम फ्रंट साइड की कटिंग करेंगे, बाद में बैक साइड की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रंट साइड पर हमारी ये कढ़ाई है फैब्रिक में, बैक साइड प्लेन होगी। तो जहाँ तक ये फैब्रिक की कढ़ाई एंड हो रही है, वहाँ पर मैं इस तरह से सीधी लाइन डाल रही हूँ पूरे ऊपर तक। तो अब हम इसके ऊपर मेजरमेंट करेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं कढ़ाई के नीचे का जो फैब्रिक बचा है, ये बॉटम फोल्ड करने काम आ जाएगा। अब ये जो हमने लाइन ड्रॉ कर ली है, यहाँ से पूरा फैब्रिक का हमने सेंटर लेना है। तो आप यहाँ देख सकते हैं सेंटर हमारा है 9 इंचेस। तो यहाँ पर हम 9 इंचेस पर ऊपर से नीचे तक मार्क कर देंगे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं ये फैब्रिक का सेंटर है। इसके बाद हम मेजरमेंट का मार्क करेंगे फुल लेंथ। आप यहाँ देख सकते हैं 36 इंचेस पर मैं यहाँ फुल लेंथ का मार्क कर रही हूँ। अब इस मार्क को फुल लेंथ के सीधा कर दें। अब इसके बाद इसके ऊपर नेफे की फोल्डिंग का 2 इंचेस पर मार्क करें। तो इस तरह से नेफे का 2 इंचेस ऐड करके फुल लेंथ 38 इंचेस हो जाएगी। अब इसके बाद इस सेंटर से हम वेस्ट का मार्क करेंगे। तो 11 इंचेस मेरा वेस्ट का मार्क है। 11 इंचेस का हाफ 5.5 इंचेस होगा। तो 5.5 इंचेस सेंटर के राइट साइड और लेफ्ट साइड पर मार्क करेंगे। अब इसके बाद इसी के नीचे से 11 इंचेस क्रॉच एरिया यानी कि आसन का मार्क करेंगे। ध्यान रहे कि मैंने 2 इंचेस नेफे के मार्क के नीचे से 11 इंचेस पर मार्क किया है। इस तरह से 11 लेंथ आसन की और 11 विद वेस्ट की मार्क करके इस तरह से आप एक बॉक्स बना लें। उसके बाद हम हिप एरिया का मार्क करेंगे। इसके लिए वेस्ट के मार्क में 11 इंचेस में से 2 इंचेस प्लस कर दें यानी कि 13 इंचेस पर हिप एरिया का मार्क करेंगे। अब इस तरह से इसके ऊपर मियानी की शेप दे दें। इस तरह से आप ये देख सकते हैं हिप एरिया हमारा 13 इंचेस है। अब नीचे से बॉटम का मार्क करेंगे। जितना आपको प्लाजो के नीचे का बॉटम चाहिए उतना आप मार्क करें। यहाँ पर मुझे पूरा ही जितने में एम्ब्रॉयडरी है पूरा मार्क करना है। तो ये 16 इंचेस है। तो सेंटर में राइट से 8 इंचेस और लेफ्ट से 8 इंचेस पर मार्क करेंगे। इसके बाद प्लाजो की शेप दे दें। मियानी के नीचे से आपने इस तरह से एक कर्व शेप देनी है 5 to 6 इंचेस तक, और इसके बाद इस शेप को नीचे बॉटम तक मिला देना है। शेप स्केल की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, प्लाजो है नॉर्मली शेप इस तरह से आप दे सकते हैं। और इसी तरह से दूसरी साइड पर भी शेप दे दें। हिप के मार्क से नीचे बॉटम तक स्केल की हेल्प से मार्क को मिला दें। सो यू कैन सी आर प्लाजोज मेजरमेंट मार्क इज़ कम्प्लीट। ऊपर से हमने पहले वेस्ट का मार्क किया, फिर हिप का मार्क किया, उसके बाद सिंपल बॉटम से हिप के मार्क को मिला दिया है। सिंपल मेजरमेंट है, कोई मुश्किल नहीं है। अब इस मार्क को कटिंग कर लें। और ध्यान रहे कि अभी हमने मार्जिन का मार्क नहीं किया है। फ्रंट पार्ट में मार्जिन का मार्क नहीं होता, मार्जिन का मार्क हम बैक पार्ट में करेंगे। तो इस तरह से हमारे प्लाजो के फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई है। अब ये बैक पार्ट मैंने फोल्ड करके रखा है, 2 फोल्ड्स में रखा है। इसके ऊपर हम अपना फ्रंट पार्ट बिछाएंगे। इस तरह से आप देख सकते हैं। तो फ्रंट पार्ट को बैक पार्ट के ऊपर इस तरह से रखने के बाद यहाँ पर आपने ध्यान देना है कि हमने बैक पार्ट फ्रंट पार्ट से 2 इंचेस एक्स्ट्रा रखना है। तो इस तरह से नेफे के ऊपर मैं यहाँ 2 इंचेस ऊपर मार्क कर रही हूँ 2 इंचेस का। तो यहाँ इस तरह से मैंने सीधा मार्क कर लिया है और इसको स्केल की हेल्प से सीधा कर लिया है। तो अब आप यहाँ देख सकते हैं इस मार्क को हमने बैक साइड से इस तरह से नीचे की साइड पर मिलाना है।
सिर्फ आसन के तरफ से हमने मार्क को ज़्यादा रखा है आसन की तरफ से, ताकि खिंचाव नहीं हो, तो आसन की तरफ से बस 2 इंचेस एक्स्ट्रा लिया है। इसके बाद मार्जिन का मार्क करेंगे, 2 इंचेस एक्स्ट्रा मैं यहाँ पर मार्क कर रही हूँ। इस तरह से 2 इंचेस एक्स्ट्रा मार्जिन लेके सीधा मार्क कर दें, और इसी तरह से जैसे हमने मियाने की शेप दी थी, इसी तरह से यहाँ पर भी 2 इंचेस एक्स्ट्रा पर मार्क करके मियाने की शेप दे दें। टॉप से बॉटम पर मार्जिन का मार्क कर दें, नीचे से भी हम 2 इंचेस एक्स्ट्रा बॉटम पर मार्क कर देंगे। तो इस तरह से यहाँ पर बैक पार्ट की मेजरमेंट का मार्क भी हो गया है, तो अब यहाँ पर कटिंग कर दें। इसी तरह से दूसरी साइड पर भी बिल्कुल मिलाकर ऊपर से नीचे तक कटिंग कर दें। तो इस तरह से आप देख सकते हैं प्लाजो की कटिंग होकर रेडी हो गई है। अब हम इसकी स्टिचिंग करते हैं। तो इस स्टिचिंग के लिए मैंने पहले यहाँ पर प्लाजो का फ्रंट पार्ट लिया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये प्लाजो का आसन सियेंगे मियाने तक, आप यहाँ पर देख सकते हैं ऊपर नेफे से मियाने तक इस तरह से सियेंगे। तो इस तरह से फ्रंट पार्ट का आसन स्टिच हो गया है। बिल्कुल इसी तरह से बैक पार्ट के आसन को भी नेफे से मियाने तक सिलाई लगा देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बैक पार्ट के आसन को भी सी दिया है। अब बैक पार्ट के ऊपर हम फ्रंट पार्ट इस तरह से रखते हुए इसकी साइड की सिलाई लगा देंगे। बिल्कुल 1/2 इंच का गैप लेके टॉप से बॉटम तक सिलाई लगा देंगे। इस तरह से फ्रंट और बैक पार्ट के दोनों को मिलाते हुए बॉटम तक सिलाई लगा दी है। इसी तरह से हम दूसरी साइड पर भी ये साइड वाली सिलाई लगा देंगे 1/2 इंच के गैप के ऊपर। तो जी इस तरह से आप यहाँ देख सकते हैं दोनों ही तरफ के प्लाजो की साइड की सिलाई हो गई है। अब हम प्लाजो का नेफा तैयार करेंगे। तो सिंपल मैं यहाँ नेफा तैयार करूँगी, जिस तरह से हम सिंपल नेफा बनाते हैं, इलास्टिक वाले मैं यहाँ पर नहीं बना रही हूँ। तो ये बीच की सिलाई है, सेंटर की सिलाई है, इस पर हम दोनों तरफ इस तरह से सिलाई लगाएंगे 4 इंच नीचे तक। 1/2 इंच के गैप के ऊपर हम ये सिलाई लगाएंगे और इस तरह से ऊपर से नीचे तक घुमा के सिलाई को वापस ऊपर ले आएंगे, ये आप देख सकते हैं। और अब इस सिलाई के ऊपर तक नेफे को इस तरह से अंदर की तरफ 1/4 इंच तक फोल्ड करते हुए पूरे नेफे की सिलाई लगा देंगे। और नेफा तैयार होने के बाद आप प्लाजो की फिटिंग लगा दें टॉप से बॉटम तक, और उसके बाद बॉटम फोल्ड कर दें। तो जी इस तरह ये हमारा नैरो प्लाजो बनकर तैयार है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें मोर अपडेट्स के लिए।